नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस हम पढ़ रहे थे, दो तो हुए, नंबर थर्ड है टेम्परेचर ऑफ गैस। अगर हम टेम्परेचर ऑफ गैस की डेफिनेशन देखेंगे, टेम्परेचर ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी या ऑफ ए सबस्टेंस, ये है जनरल डेफिनेशन टेम्परेचर की, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सबस्टेंस। मतलब एक टेम्परेचर, एक बॉडी, एक सबस्टेंस कितना हॉट है या कितना वो कोल्ड है, उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी या टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस। बट यहाँ पे ये डेफिनेशन हम यूज़ नहीं करेंगे, गैस की हम बात कर रहे हैं, को याद होना चाहिए हम गैसीय स्टेट पढ़ रहे हैं, गैस की हम बात कर रहे हैं। तो गैस का टेम्परेचर जो होता है वो एक्चुअल में उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, एक्चुअली गैस का जो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअली उसका टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअली टेम्परेचर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। गैस का जो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअली उसका उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, सिंपल। तो क्योंकि हमें इस यूनिट में आगे एक थ्योरी पढ़नी है जिसका नाम है बाय नेम, उसका एक फेमस नेम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का बोलती है काइनेटिक एनर्जी, स्टार्टिंग में बोला था मैंने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गैस का जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी, यानी जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस की होगी उतना ही उसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा, डायरेक्ट रिलेशन। मतलब ये बढ़ाओ, ये बढ़ने से ये भी बढ़ जाएगी, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की होगी उतना ज़्यादा गैस का टेम्परेचर होगा। तो ये इक्वेशन आप याद रखो, फिलहाल के लिए टेम्परेचर के लिए इतना काफ़ी है, आगे हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस KTG, ये हमें आगे इस यूनिट में काफ़ी डिटेल में पढ़ी, इसके पॉस्टुलेटस, इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, वहाँ से एक फेमस इक्वेशन निकल के आती है जिसका नाम है काइनेटिक गैस इक्वेशन। वही एक्सप्लेन कर रही है कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से, क्यों काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, या टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती है गैस की। तो इस इक्वेशन हम इस थ्योरी में पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे, वहाँ से मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल प्रूफ मिलेगा इस इक्वेशन का। तो हाल फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो, टेम्परेचर जो है गैस का वो एक्चुअल में उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। याद रखो, टेम्परेचर गैस का एक्चुअल में क्या होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे यूनिट, यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ, अगर हम टेम्परेचर का ऐसा यूनिट देख लेंगे, आप लोगों को याद होगा बचपन में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th, 10th, even 6th स्टैंडर्ड से आज पढ़ते हैं ये चीज़ें। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, आप ही बताइए, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, केल्विन जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन। तो जहाँ पर हमेशा, अभी इससे पहले हमने मास पढ़ा, मास का मैंने ऐसा यूनिट माना था केजी, बट मैं इस यूनिट में कभी भी केजी यूज नहीं करूँगा, हमेशा किस यूनिट में मास रखूँगा, किस में, ग्राम में। दूसरा पढ़ा हमने वॉल्यूम, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब, जबकि मैं हमेशा इस यूनिट में हमेशा ऐसा यूनिट को, वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर लूँगा हमेशा लीटर में। अब थर्ड जो टेम्परेचर है, थर्ड मेजरेबल प्रॉपर्टी, तो हमेशा इस यूनिट में एंड तक, इवन यहाँ से इस यूनिट में स्टेट्स ऑफ मैटर, आगे आएगा थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद आएगा इक्विलिब्रियम, फेमस यूनिट। तो हमें टेम्परेचर की बात इस यहाँ से एंड तक हो जाएगी, तो हमेशा हम ये वो मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस है जिसको हम एज ऐसा यूनिट में ही यूज़ करते हैं, ऐसा यूनिट, मतलब जो केल्विन है इसका ऐसा यूनिट, तो हमेशा हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में ही रखेंगे, क्लियर। तो हमेशा टेम्परेचर को हम ऐसा यूनिट में ही रखेंगे, केल्विन स्केल में ही। अब इसको छोड़ के, इस स्केल को छोड़ के और दो स्केल्स है, तीन स्केल्स है, दो तो आपको याद होंगे, नंबर 1 सेल्सियस या डिग्री, जिसका नाम है डिग्री सेंटीग्रेड,
डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, एक स्केल ये भी है। अगर आपके पास टेम्परेचर दिया है क्वेश्चन में इस स्केल में, तो आपको मैंने बोला आपको हमेशा टेम्परेचर को रखोगे किसमें, केल्विन में। अगर आपके पास वहां से टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए उस टेम्परेचर को, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आप सबसे पहले अपने आप कन्वर्ट करोगे किसमें, केल्विन स्केल में। क्योंकि टेम्परेचर का हमेशा हमें ऑलवेज हमें रखना है किस स्केल में, केल्विन स्केल में। अगर इसमें दिया है तो सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा इसको इसमें कन्वर्ट करना, तो आपको आना चाहिए। कन्वर्जन के लिए एक फेमस स्केल है, आपको याद होगा क्लास 9th में आपने इक्वेशन एक पढ़ी होगी, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन वो किसके बराबर होता है, 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपली करना क्या है आपको, अगर आपके पास टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है, आपको कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में, सिंपली उस वैल्यू को 273 ऐड कर लो, वो अपने आप कन्वर्ट होगा किसमें, केल्विन स्केल में। राइट, समझ आ रहा है। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपके पास है तो सिंपली आप इसको 273 ऐड कर लो, वो अपने आप कन्वर्ट होगा केल्विन स्केल में। इस स्केल से आपको अप्रॉक्सीमेट ऑन वैल्यू मिलेगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा, ना कि एक्यूरेट। एक्यूरेट और अप्रॉक्सीमेट में फर्क है। एक्यूरेट का मतलब 100% सही, अप्रॉक्सीमेट का मतलब 99.9% सही, बट 0.1% एरर होता है। अब वो एक्चुअल स्केल क्या है, एक्यूरेट स्केल क्या है, ऐसे टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू, एक्चुअल में यहाँ पे 273 नहीं है, ये यहाँ पे है 273.15 प्लस वही कर लोगे टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। इस स्केल से आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा, एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। अब 0.15 है, इसको हम राउंड ऑफ करते हैं 273, इसीलिए हम ये स्केल ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो या कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के, 0.15 को इग्नोर कर लेते हैं, 273 को राउंड ऑफ लेते हैं, तो इससे आंसर आपका जल्द, मतलब वैल्यू आपका जल्दी बन जाएगा क्या होता है स्केल। राइट, वैल्यू क्या आएगा टेम्परेचर का केल्विन स्केल में। तो सिंपली अगर आपको सेल्सियस स्केल में आकर, अगर सेल्सियस स्केल में अगर आपका टेम्परेचर है, आपको लाना है केल्विन स्केल में, सिंपली आप 273 उसको ऐड कर लोगे। से सपोज मेरे पास है ऐसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर मेरे पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में, मैं क्या कर लूँ, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, सिंपली क्या कर, 273 ऐड कर लो इस वैल्यू को, प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड वो कितना है 25 ऐड कर लो, 538 729 2, तो यह आएगा 298 केल्विन। तो मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड वो आएगा केल्विन स्केल में 298 केल्विन। इस तरह से आप इस स्केल से, आप इस इक्वेशन से आप केल्विन सेल्सियस स्केल को कन्वर्ट कर लोगे केल्विन स्केल में। अब दूसरी और एक स्केल है, दूसरी स्केल और एक स्केल है टेम्परेचर की, एक है केल्विन वो SI, दूसरा है, दूसरी वो सेल्सियस, तीसरी स्केल है फारेनहाइट। फारेनहाइट ऐसे लिखते हैं, फारेनहाइट स्केल। अब अगर आपके पास वहां से एग्जामिनर ने आपको टेम्परेचर दिया फारेनहाइट में, तो सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, उस फारेनहाइट टेम्परेचर को कन्वर्ट करोगे किसमें, इसको आपको कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में, केल्विन में। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, फारेनहाइट और केल्विन के इनका डायरेक्ट, इनकी डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, इनके बीच में ऐसा कोई डायरेक्ट रिश्ता है ही नहीं, होगी ना प्रॉब्लम। तो मतलब जिस तरह पहले था सेल्सियस
सेल्सियस को मैंने डायरेक्टली कन्वर्ट किया था किसमें, केल्विन में, क्योंकि डायरेक्ट रिश्ता था, डायरेक्ट रिलेशन थी, तभी तो पॉसिबल था इसको इसमें कन्वर्ट करना। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल, मतलब फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और केल्विन टेम्परेचर में एज सच कोई डायरेक्ट लिंक है ही नहीं। अब प्रॉब्लम क्या, अब प्रॉब्लम तो हो रही, अब तो इसको सॉर्ट आउट करना है, कैसे कर लेंगे, डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं। बट एक इनडायरेक्ट वे है, एक अलग रास्ता है जिसकी मदद से हम, जिसकी हेल्प से हम फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, केल्विन स्केल में। वो इनडायरेक्ट वे जो है, सबसे पहले मैं फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है इसको मैं पहले कन्वर्ट कर लूँगा डिग्री सेल्सियस में। जब ये टेम्परेचर, इनके बीच में डायरेक्ट रिश्ता है, इनके बीच में कनेक्शन है, इसका और इसका एज सच डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, इनके बीच में डायरेक्ट रिश्ता है, मतलब एक डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में पॉसिबल है। उसके बाद जब मेरा ये टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मैंने जब इसको कन्वर्ट किया, उसके बाद मैं इजीली, क्योंकि यहाँ पे तो इजी है, इसके बाद मैं इजीली डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकता हूँ केल्विन से। ये है इनडायरेक्ट वे, मतलब पहले यहाँ से यहाँ जाओ, उसके बाद यहाँ से यहाँ आप जा सकते हो। किस इक्वेशन से, यहाँ से, यह तो इजी है ना, किस इक्वेशन से, ये टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से पॉसिबल, यहाँ से एक डायरेक्ट इक्वेशन है। बट यहाँ जो प्रॉब्लम थी इनके बीच में रिलेशन, वो मैं इससे सॉर्ट आउट कर लूँगा, जब ये कन्वर्ट कर लूँगा इसमें, बाद में ये इक्वेशन यूज़ कर लूँगा, इस टेम्परेचर को इसमें सॉर्ट आउट, इसमें कन्वर्ट कर लूँगा। अब इनके बीच में क्या इक्वेशन है, इनके बीच में क्या रिलेशन है जिसकी मदद से मैं फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो, वो इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूँ। हमें यहाँ पे वो इक्वेशन डिराइव नहीं करनी है, वो आप फिजिक्स में डिराइव करोगे, फिजिक्स में भी आपको ये सब चीज़ें मिलेंगे, सारी चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ा है वो आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, लास्ट यूनिट फिजिक्स का लास्ट यूनिट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वहां पर भी आप पढ़ोगे। देखो क्या इक्वेशन है, इनके बीच में कौन सी इक्वेशन है जिसकी मदद से मैं फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को कन्वर्ट करूंगा किसमें, डिग्री सेल्सियस में। वो क्या इक्वेशन है, देखो वो इक्वेशन ये है, एफ माइनस 32/9 इक्वल टू सी अपॉन 5, ये इक्वेशन है, एफ माइनस 32/9 इक्वल सी अपान, मतलब एफ का मतलब फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, माइनस 32/9 इक्वल सी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपान 5। तो आपके पास ये गिवन होगा, ये गिवन, तो आप इस इक्वेशन की मदद से उस टेम्परेचर को इसमें कन्वर्ट कर लोगे, क्या आएगा इक्वेशन, क्या बनेगी, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये 5 यहाँ जाएगा इंटू, इसके नीचे क्या था 9। तो इस इक्वेशन की मदद से आप क्या कर लोगे, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को आप कन्वर्ट कर लोगे डिग्री सेल्सियस में। जब आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आ गया, उसके बाद आप डिग्री सेल्सियस को अपने आप कन्वर्ट कर सकते हो केल्विन स्केल में। तो दोनों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुए हैं। तो याद रखना है, हमेशा आप टेम्परेचर रखोगे केल्विन स्केल में, अगर वहाँ पे किसी और स्केल में है तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए उस स्केल को आप कन्वर्ट कर लोगे केल्विन स्केल में इन दो इक्वेशंस की मदद से। तो ये था टेम्परेचर। अब उसके बाद फोर्थ मेजरेबल प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, एक तो हमारा मास हुआ, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा टेम्परेचर, अब 4 प्रेशर पी। ये भी आप जानते हो, गैसेस एग्जर्ट प्रेशर किस पे, वाल्व्स ऑफ कंटेनर पे, जिस कंटेनर में हम उनको स्टोर कर रहे हैं उनके वाल्व्स पे वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, इसमें मैंने गैस इंसर्ट की है,
देखो गैसों की एक प्रॉपर्टी क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा रैपिड रैंडम मोशन में होते हैं, कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। जब वो मोशन में होते हैं मतलब ये इधर इधर भी भाग सकता है, इधर भी भाग सकता है इस डायरेक्शन में, ये तो आपस में भी कोलाइड कर लेते हैं ड्यूरिंग देयर मोशन, ये अपने आप भी कोलाइड कर लेते हैं ऐसे। दूसरा जब कोलाइड कर लेते हैं साथ में, ये मॉलिक्यूल मान लो से सपोज इधर गया और इस तरह से इसने इसको कोलाइड किया, वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब मैं बाहर देख रहा हूँ ऐसे, अंदर फाइट चल रही है किनके बीच में, गैस मॉलिक्यूल, मैं बाहर ऐसे ऑब्जर्वर देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो मतलब ये जो गैस मॉलिक्यूल आया और इससे टक्कर के कोलाइड हुआ इसके किसके वॉल ऑफ कंटेनर पे, तो यहाँ पे वॉल ऑफ कंटेनर पे फोर्स कुछ एग्जर्ट हुआ, किसी एक यूनिट एरिया पे। जब फोर्स एग्जर्ट होगा एक यूनिट एरिया पे मतलब उसका नाम है प्रेशर, फोर्स पर यूनिट, ये आपने सुना होगा प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये मॉलिक्यूल आया रैपिड रैंडम मोशन लेके, कंटिन्यूअस मोशन में है, आया और कोलाइड करके इसने वॉल ऑफ कंटेनर यहाँ पे हिट किया कंटेनर के वॉल पे, और जब इसने यहाँ पे हिट किया कंटेनर की वॉल पे तो वहाँ पे एक फोर्स एक्ट हुआ, ऑपरेट हुआ एक यूनिट एरिया पे। जब यूनिट एरिया पे फोर्स ऑपरेट हुआ उसको बोलते हैं प्रेशर। तो यह है प्रेशर ऑफ गैस, या और एक डेफिनेशन है प्रेशर ऑफ गैस की, ये डेफिनेशन भी है, प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द कोल्यूजन्स ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, जो मैंने अभी तक बोला है। अगर आप चाहो तो मैं लिख सकता हूँ यार, प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द कोल्यूजन्स ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स of its molecules with the walls of container. ये है pressure of gas की definition. Pressure of gas is due to the collisions of its molecules. ये है gas इस container में, इसके अंदर जो gas molecules है वो आपस में भी collide कर लेते हैं और साथ साथ में कंटेनर के वाल पे भी कोलाइड कर लेते हैं। जो जब ये यहाँ पे वाला कंटेनर पे कोलाइड कर लेगा वहाँ पे फोर्स ऑपरेट होगा एक यूनिट एरिया पे, वही बोलते हैं प्रेशर ऑफ गैस, वही लिखा मैंने, प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द कोल्यूजन्स ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, राइट। ये भी ईजी है। अब इसका यूनिट देखो, यहीं से यूनिट डराइव कर लेंगे, प्रेशर किसके बराबर, फोर्स, पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट बनेगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी यूनिट को हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं पास्कल, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पी ए, ऐसे पास्कल। तो ऐसा यूनिट जो है फोर्स प्रेशर का वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसका नाम है पास्कल, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पी ए। बट यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, ये यूनिट ये आप फिजिक्स के लिए रख लो, फिजिक्स में ज़्यादातर हम पास्कल में रख लेते हैं प्रेशर, बट यहाँ पे हम स्टेट्स ऑफ मैटर में इवन केमिस्ट्री में हम पास्कल कभी यूज़ नहीं करेंगे, कर लेते हैं कभी कभार, बट जो कॉमनली यूज्ड यूनिट यहाँ पे है, कॉमनली यूज्ड यूनिट जो प्रेशर का कॉमनली यूज्ड यूनिट जो हम इस केमिस्ट्री में या इस यूनिट में यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर भी आपका काम है, तो क्या है काम, अगर आपके पास इस यूनिट में प्रेशर है तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, उस प्रेशर को कन्वर्ट कर लोगे किसमें, एटीएम में, वो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट कन्वर्जन यहां पे लिख रहा हूं। देखो वन एटीएम, ये इंपॉर्टेंट है, वन एटीएम वो बराबर होता है 1.01325 इंटू 10^5 पास्कल।
एक एटीएम किसके बराबर, 1.01325 × 10⁵ पास्कल। दूसरा और एक यूनिट भी है प्रेशर का, बार आपने सुना होगा या टॉर या MMHG। एक एटीएम बराबर होता है ऐसे 760 MMHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये भी प्रेशर का। एक एटीएम बराबर होता है 760 MMHg या और एक सेंटीमीटर एचजी। अगर मैं सेंटीमीटर का मतलब वन सेंटीमीटर किसके बराबर, 10 मिलीमीटर। तो अगर मैं सेंटीमीटर मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लूँ किसमें, सेंटीमीटर तो डिवाइड 10 कर लूँगा, तो यहाँ से आएगा 760/10 किसके आएगा, सेंटीमीटर एचजी। ये खत्म, क्या बनेगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। और एक यूनिट यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 एटीएम एक 1.01325 × 10⁵ पास्कल, दूसरा MMHg में 760, तीसरा सेंटीमीटर में अगर होगा तो 76 सेंटीमीटर एचजी। और एक यूनिट है बार, वो होता है 1.01325 bar। बार एक एटीएम किसके बराबर, 1.01325 bar। या टॉर है वो एक यूनिट, 1 एटीएम इज इक्वल टू वो वही है 760 टॉर। फर्क नहीं है यहाँ पे, ये इस तरह याद रखो 760 MMHg। इसी तरह एक एटीएम बराबर होता है 760 टॉर, TOR टॉर। तो इस तरह से अगर किसी भी स्केल में है, पास्कल में है, मिलीमीटर ऑफ एचजी में है, या सेंटीमीटर ऑफ एचजी में है, या बार में है, या टॉर में है, तो इन इक्वेशंस की मदद से आप उस प्रेशर को कन्वर्ट अपने आप करोगे किसमें, एटीएम स्केल में। तो जनरली एक शॉर्टकट याद रखो, शॉर्टकट बनने वाला है, देखो क्या खासकर इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, एक इम्पॉर्टेंट ये है, दूसरा क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट। देखो अगर मैं ऐसे लिखूँ 1.01325, ये तो अप्रॉक्सीमेट 1 के बराबर है, 1.01325 तो अप्रॉक्सीमेट 1 के बराबर ही है। तो क्या ऐसे लिखूँ फिर, 1 ATM किसके बराबर आएगा, इसकी जगह मैं क्या अप्रॉक्सीमेट 1 लिख सकता हूँ, 1 × 10⁵ पास्कल। न्यूमेरिकल के लिए बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल के लिए, मतलब न्यूमेरिकल आप मतलब सेकंड में सॉल्व कैसे करोगे, तो ऐसे लिख सकता हूँ फिर अप्रॉक्सीमेट 10⁵ पास्कल, राइट। तो 1 ATM अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर है, 10⁵ पास्कल, क्योंकि 1.01325, इसको मैं अप्रॉक्सीमेट बराबर मान रहा हूँ किसके बराबर, 1 के बराबर। तो इस तरह से 1 ATM अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आएगा, 10⁵ पास्कल। वही है बराबर किसके बराबर, 10⁵, अब मैंने इसको मान लिया 1 ATM, वही किसके बराबर है, 760 MMHg। वही बराबर किसके बराबर, 760 bar, ना वही वो लिखा है, नहीं 760 TOR। तो इस इक्वेशन को याद रखो, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं कॉमनली, 1 ATM किसके बराबर, 1 × 10⁵ पास्कल या अप्रॉक्सीमेट बराबर 10⁵ पास्कल, वही बराबर है 760 MMHg, वही बराबर होता है 760 TOR के बराबर। तो इस तरह से आप प्रेशर को, अदर स्केल्स को अपने आप कन्वर्ट कर सकते हो किस स्केल में,
एटीएम स्केल में, क्योंकि हम यूजुअली इस यूनिट में हमेशा ज़्यादातर टेम्परेचर को रखेंगे एटीएम स्केल में, एटीएम स्केल में। तो ये हो गया प्रेशर। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी गैस की, लास्ट प्रॉपर्टी गैस की डेंसिटी, नंबर 5 एंड लास्ट डेंसिटी। देखो बच्चों, डेंसिटी गैसेस के दो डेंसिटीज होती है, टू डेंसिटीज आर देयर। नंबर 1 वेपर डेंसिटी, यहां जिसका और एक नाम है रिलेटिव डेंसिटी। वेपर डेंसिटी या जिसका दूसरा नाम है रिलेटिव डेंसिटी। अगर आप लोगों को याद होगा, जब हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ा था, बेसिक कंसेप्ट्स फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री का, वहां पे हमने एक लॉ किया था, एवोगैड्रोज लॉ। उस एवोगैड्रो लॉ में हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना। याद आ रहा है आपको? आप लोग अपने आप याद होगा, आप रिवाइज कर लो, नोटबुक चेक कर लो, नोटबुक में ये चीज आपको मिलेगी, अपने नोटबुक, आपकी नोटबुक पे। वहां पे हमने एवोगैड्रोज लॉ की एक एप्लीकेशन दी थी, वहां कैलकुलेशन ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी का मतलब किसी और के साथ कंपेयर करना। रिलेटिव का क्या मतलब है? कॉमन सेंस, रिलेटिव का मतलब किसी और के साथ कंपेयर करना। वहां पे हमने डिराइव की थी ये चीज, वेपर डेंसिटी वीडी, वेपर डेंसिटी किसके बराबर थी? हाँ, मोलर मास बाय टू। ये हमने किया था, वेपर डेंसिटी ये हमने डिराइव की थी फर्स्ट यूनिट में, मोल बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। वहां पे हमने वेपर डेंसिटी, रेफरेंस बोल रहा हूँ, कहाँ पे मिलेगी आपको? जब हमने एवोगैड्रोज लॉ पढ़ा था, एवोगैड्रोज लॉ की हमने सेकंड एप्लीकेशन में हमने कैलकुलेशन ऑफ वेपर डेंसिटी, तो हमें फाइनली ये इक्वेशन आई थी, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू मोलर मास बाय टू, राइट। तो ये जो वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये रिलेटिव है, किसी के साथ कंपेयर करना। अगर आप लोग भूल चुके हो, मैं आपको याद दिलाऊंगा यहाँ पे, किसके साथ हमने तब कंपेयर किया था? हाइड्रोजन के साथ हमने कंपेयर किया था, जब हमने किसी गैस का मास ऊपर लिया था, नीचे हाइड्रोजन का मास। तो यहाँ से जो वेपर डेंसिटी आ रही है, वो एक्चुअल में उस गैस की डेंसिटी किसके रिलेटिव में, किसके रेफरेंस में? हाइड्रोजन के साथ। तो मतलब इसकी डेंसिटी, मतलब ये कितना हैवी है, डेंसिटी का मतलब कितना हैवी है, कितना लाइट है, हैवीनेस और लाइटनेस ऑफ सबस्टेंस, ये कितना हैवी है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ये गैस कितना हैवी है, या एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ये गैस कितना लाइट है। तो मतलब हमने इसको कंपेयर किया किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ कंपेयर किया। अगर हमने इसको हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया, हाइड्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी खुद क्या है, वो भी गैस है, ये भी गैस है, तो यूनिट तो नहीं आएगा। तो मतलब ये जो डेंसिटी है, इसका है नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। दूसरी डेंसिटी है, वो इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी का मतलब अपनी डेंसिटी, खुद की डेंसिटी, ना कि किसी के साथ कंपैरिजन करने के बाद। किसी के साथ कंपैरिजन करने के बाद
वो वेपर डेंसिटी अपने आप, मतलब खुद की क्या डेंसिटी है, खुद की मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कंपैरिजन में, मैं कितना हैवी हूं इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में कितना हैवी हूं, इसके कंपैरिजन में कितना लाइट हूं, मतलब मैंने अपने आप को कंपेयर किया इसके साथ, वो मतलब रिलेटिव या वेपर। अगर मैं खुद बोलूं मैं अपने आप, खुद कितना मेरा मतलब मास कितना है, मैं खुद कितना हैवी हूं, तो वो मेरा एब्सोल्यूट कहा जाएगा। एब्सोल्यूट डेंसिटी का मतलब किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं, अपने आप खुद कितना हैवी है या खुद कितना लाइट है। तो ये जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी गैस की, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी गैस की होती है, ये फेमस इक्वेशन है, पी एम बाई आर टी, ये एक फेमस इक्वेशन है। आप ये मत बोलो ये सर कहाँ से आ गई, पी एम बाई आर टी, अब आप ये मत बोलिए सर ये इक्वेशन हाँ कहाँ से आ गई। आगे इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। आगे इसी यूनिट में हम एक इक्वेशन पढ़ेंगे, फेमस इक्वेशन इस यूनिट की, जो कि इस यूनिट का हार्ट माना जाता है, आइडियल गैस इक्वेशन। उसी आइडियल गैस इक्वेशन में हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, राइट, किसकी, डेंसिटी इक्वल टू पी एम बाई आर टी। इसी यूनिट में हम आगे इस इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे, वहां से आपको मालूम होगा ये डेंसिटी पी एम बाई आर टी कहां से आ गई है। फिलहाल के लिए आप याद रख लो डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैस किसके बराबर, पी एम बाई आर टी। यहां पे हर एक टर्म का अपना मीनिंग है। पी क्या है, पी प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। नंबर्स क्या है, एम, एम का मतलब मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस। थर्ड क्या है, टी, टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस। एंड नंबर लास्ट आर, एक कांस्टेंट है आर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस आर की भी बात हम करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन में ही, इसकी डेफिनेशन भी वहीं पे कर लेंगे, ये कहाँ से आया है, तो इसकी भी बात कर लेंगे हम आइडियल गैस इक्वेशन में। हाल फिलहाल के लिए आप इसका वैल्यू याद रखो, इसका वैल्यू, बहुत सारे वैल्यूज़ हैं बट एक वैल्यू है जो हमें काम आएगा थोड़ी देर के लिए, बाद में इसका और एक यूनिट भी है और एक वैल्यू भी है, वो हम तब बताएंगे। इसका वैल्यू होता है ये 0.08 21, यूनिट है, यूनिट इंपॉर्टेंट, एटीएम लीटर पर मोल, पर मोल पर केल्विन, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। याद रखो ये वैल्यू, आर की वैल्यू, आर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू है बहुत सारे वैल्यूज इसके, बट थोड़ी देर के लिए आप ये वैल्यू याद रखो, आगे हम जो इसके अदर वैल्यूज़ है वो हम आगे लेक्चर्स में बताएंगे, इसका और क्या क्या वैल्यू हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज़, बट हाल फिलहाल के लिए आप ये वैल्यू याद रखो, इसका जो वैल्यू होता है 0.08 21 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए सर इसका यूनिट ये कहाँ से आया, इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए भी आप टेंशन ना लीजिए, आगे हम जब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाएंगे आप लोगों को, वहाँ से मैं बताऊँगा, वहाँ से वैल्यू भी डिराइव होगी, राइट, समझ आ रहा है, वहाँ से वैल्यू भी डिराइव होगी, ये वैल्यू वहीं से आया, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू 0.08 21, और इसका ये यूनिट है एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट भी वहीं से आएगा। बट थोड़ी देर के लिए, हाल फिलहाल के लिए आप याद रखो, आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू ये, और इसका जो यूनिट है वो ये रहा। आगे डिराइव होंगे ये चीज़ें, टेंशन ना लीजिए आप, ये वैल्यूज़, ये
यूनिट्स आगे डिराइव होंगे और हर एक वैल्यू डिराइव होगा। अब एक क्वेश्चन, क्या मैंने बोला वेपर डेंसिटी होती है, दो डेंसिटीज होती है गैस की, एक वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का मतलब किसी के साथ कंपैरिजन करने के बाद क्या डेंसिटी मिल गई गैस की, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा वो वेपर डेंसिटी, वहाँ से आ रही मोलर मास बाई टू। ये जो डेंसिटी होती है ये कंपेयर हमने हाइड्रोजन के साथ की है, इसीलिए इस डेंसिटी का यूनिट नहीं होता है। और एब्सोल्यूट डेंसिटी दूसरी, वो बराबर होती है पी एम बाई आर टी, वायर पी प्रेशर, एम मोलर मास, पी टेम्परेचर, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये जो डेंसिटी है इसका यूनिट होता है, ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी किसके बराबर, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास बाय वॉल्यूम, इसका यूनिट होता है ग्राम। हम मास को यहां पे किस में रखते हैं, मास को किस में रखते हैं, बोला मैंने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी में, फर्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी में, मास को ग्राम में और वॉल्यूम को, वॉल्यूम को किस यूनिट में, लीटर में, इसका यूनिट है ग्राम पर लीटर, इसका यूनिट ग्राम पर लीटर, याद रखो इस यूनिट को, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ये है एब्सोल्यूट डेंसिटी का यूनिट। अब आपका, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर एग्जामिनर ने खाली डेंसिटी मेंशन की, मतलब से सपोज उसने बोला हमारे पास एक गैस है और उसकी डेंसिटी ये रही, वो अगर उसने डेंसिटी का नाम मेंशन नहीं किया है तो आप हमेशा ये डेंसिटी मान लेना, समझ आ रहा है, आप हमेशा ये डेंसिटी मान लेना। अगर उसने रैंडमली बोला हमारे पास एक गैस है और उसकी डेंसिटी ये रही एक्स, तो आप हमेशा तब वो डेंसिटी क्या मान लोगे, एब्सोल्यूट डेंसिटी। अगर उसने वहाँ से नाम मेंशन किया है, अगर इसकी बात उसने की, अगर एग्जामिनर ने वेपर डेंसिटी की बात की, हमेशा वो इसका पूरा नाम देगा, या तो देगा वेपर डेंसिटी या दूसरा नाम रिलेटिव डेंसिटी। अगर उसने खाली वर्ड डेंसिटी दिया क्वेश्चन में, तब आप अपने आप मान लेना ये कौन सी डेंसिटी है, एब्सोल्यूट डेंसिटी, तब आप अपने आप मान लेना ये एब्सोल्यूट डेंसिटी है, राइट। तो अगर उसने दूसरी डेंसिटी की बात की इसकी, तो हमेशा इसका नाम मिलेगा वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी। अब मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, आप कर लेना। सिंपल एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फाइंड डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 1 atm एंड 1 atm एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है नाइट्रोजन गैस की, किस पे, किन कंडीशंस पे, प्रेशर है 1 atm और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो डेंसिटी उसने पूछा, क्वेश्चन समझो, डेंसिटी उसने पूछा, इसका मतलब कौन सी डेंसिटी होगी, खाली डेंसिटी, मतलब एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी के लिए इक्वेशन हमने अभी देखा था, डेंसिटी इक्वल टू सॉल्यूशन, इसका डेंसिटी किसके बराबर, पी एम बाई आर टी, बस सारे वैल्यूज रख लो आंसर मिलेगा, पी, पी कितना है 1 इंटू एम, एम का मतलब मोलर मास, नाइट्रोजन ये गैस है, नाइट्रोजन हमेशा एग्जिस्ट हो रहा है इसमें, N2 इसका मोलर मास कितना है 28 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो चलो देखो 1 atm प्रेशर इंटू मोलर मास की जगह 28 ग्राम पर मोल, नीचे R, R की वैल्यू अभी बोला था, R की वैल्यू क्या है 0.082 atm लीटर पर मोल केल्विन, यही है ना यूनिट,
ये वैल्यू ये और यूनिट ये, तो आर की जगह क्या रखेंगे 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन इंटू। अब टी, टी इसने दिया है कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड बोला था मैंने, टेम्परेचर हमेशा रखोगे केल्विन स्केल में, केल्विन स्केल में। तो केल्विन स्केल ये इक्वेशन है ना, टेम्परेचर ये है आपको याद, टेम्परेचर इन केल्विन किसके बराबर 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड वो दिया है 27 7 3 10 1 कैरी 2 7 8 9 10 300 केल्विन। तो ये आ गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड कितना आ गया 300 केल्विन। देखो क्या क्या यूनिट खत्म होगा, एटीएम से एटीएम कैंसल, ऊपर ग्राम, ग्राम तो रहेगा, मोल से मोल कैंसल, ये है पर केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसल। अब बचा क्या, नीचे बचा लीटर। देखो ऊपर बचा ग्राम, नीचे बचा लीटर, ग्राम पर लीटर, वही तो मैंने बोला था इसका यूनिट क्या है, ग्राम पर लीटर। बाकी आप अपने आप सॉल्व कर लो, से मेरे पास ये एक्स मान लिया, अपने आप सॉल्व कर लो, इसका इसकी डेंसिटी आ गई एक्स ग्राम पर लीटर, एक्स ग्राम पर लीटर। अब लास्ट एक क्वेश्चन, उसके बाद ये नेक्स्ट लेक्चर खत्म कर लेंगे, नीट का क्वेश्चन जो क्या आया है नीट में। एक क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है, क्वेश्चन है यह है नीट 2000, नीट 2013 आया हुआ क्वेश्चन, एक नीट 2013 का। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ N2, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ N2 गैस एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 atm प्रेशर, 5 atm प्रेशर, ये है क्वेश्चन। इसने ब्रैकेट में गिवन दिया है, गिवन क्या है, गिवन आर की वैल्यू इसने खुद दी है, आपको याद भी होनी चाहिए 0.082, खास बस इतनी रखा 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, यह है दिवन। मैं यहां पे ऑप्शंस मार्क कर रहा हूं, ए ऑप्शन 1.40 ग्राम, चलो मिनट रख लो, बी ऑप्शन 2.81, सी ऑप्शन 3.41, डी ऑप्शन 0.29। देखो ये चार ऑप्शंस है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, क्योंकि आप खुद भी कर सकते हो बट आप कैलकुलेटर यूज कर लोगे, जो कि अलाउड नहीं होता है नीट के एग्जाम में।
इस एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है, ना ही वह अलाउड होता है वहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करना। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। देखो मैं कैसे सॉल्व करूँगा। पहले मैं लिखूँगा गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका। गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस का मोलर मास बताइए आप ही। देखो डेंसिटी पूछी उसने, अगर उसने डेंसिटी की बात की सिंपल, मतलब ये एब्सोल्यूट डेंसिटी होगी, तो मतलब फार्मूला क्या बनेगी, फार्मूला तो बनेगी डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी। तो उसके लिए m कितनी है, नाइट्रोजन गैस है उसका मोलर मास 28 ग्राम पर मोल। पहले मैं लिख रहा हूँ गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद सॉल्व। उसके बाद उसने दिया क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 227 बट डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं मुझे याद, आप लोगों को याद होना चाहिए, इसको हमेशा रखना है किसमें, केल्विन स्केल में। तो केल्विन स्केल में इसको क्या कर लेंगे, 227 प्लस कर लेंगे 273, वो अपने आप कन्वर्ट होगा केल्विन में, 73 10 एक कैरी, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 3 10 फिर से एक कैरी, 224 5। तो ये आ गया 500 केल्विन, ये आ गया 500 केल्विन, केल्विन में। उसके बाद क्या दिया उसने, ये तो टेम्परेचर हुआ। उसके बाद उसने प्रेशर दिया, पी कितना है, प्रेशर 5 atm। आर भी उसने दी है, आर की वैल्यू 0.082। अब हमें पता है वी नो, क्या क्या जानते हैं वी नो, यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, डेंसिटी इक्वल टू पी एम बाई आर टी, वैल्यू पुट कर लो, प्रेशर की जगह 5, कैलकुलेटर विदाउट कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, 5 इंटू एम, एम की जगह 28, यहाँ पे वो 28, नीचे R, R की वैल्यू 0.082 इंटू, साथ में क्या है, T कहाँ गया, 500 केल्विन। बिना कैलकुलेटर आपको सॉल्व करना है। देखो मैं कैसे जो कैलकुलेट, 5 इसको ऐसे लिखूँ, 5 इंटू 28 एज सच अपान 0. इसको ऐसे लिखूँ 82 इंटू 10 टू द पावर 1, 2, 3 माइनस 3, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता था, ऐसे 82 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3 थाउजेंड, वही मैंने इसको ऐसे लिखा, 82 इंटू ये जाएगा ऊपर, ये है 10^3, तो ऊपर जाएगा 10^-3, वही मैंने लिखा 10^-3 इंटू क्या है 500। इसको ऐसे लिखो 5 इंटू 10^2, 10^2 का मतलब 100 इंटू 500, वही तो हुआ। अब इसे क्या हुआ, 5 से 5 खत्म, ऊपर बचा, रिड्यूस तो होगा, 2 1 2 4 यहां से देखो 2 4 2 1 अप्रॉक्सीमेट। देखो ऑप्शंस में, देखो ऑप्शंस में बहुत सारी फर्क है, मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो मेरा जो है अप्रॉक्सीमेट आंसर बन सकता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं अप्रॉक्सीमेट 42 के बराबर लिख सकते, क्योंकि ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में बहुत सारी डिफरेंस है, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर बन सकता है, रेंज में आंसर आ सकता है, तो इजीली हम मार्क कर सकते हैं 42। अब देखो 14 1 14 14 3, तो ऊपर बचा 1, कुछ नहीं और, नीचे बचा ये खत्म 3, और साथ में क्या 10^-3 में से 2 काट लो, तो मतलब 10^-1, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1/3 इंटू ऊपर जाएगा आप 10, तो सीधे ऐसे 10 1 10 डिवाइडेड बाई 3, अब तो काम इजी है, 3 1 3 3
तो मतलब 3 point something, बस वो छोड़ दो 3 point something ऑप्शन में देखो 3 point something, ये भी नहीं, तो आंसर ये सीधे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 3.41। तो इस तरह से इस ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो बिना कैलकुलेटर के। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।